हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल इंफोसॉफ्ट में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक ही होस्ट कंप्यूटर के साथ दो कंप्यूटर या फिर मल्टीपल कंप्यूटर को कैसे एक साथ मैनेज करें। मतलब ये एक कीबोर्ड और एक माउस, ये दो ही वर्क करेगा इस लैपटॉप में और ये होस्ट कंप्यूटर के साथ। अभी इस लैपटॉप को हम इस मॉनिटर में अटैच कर लें, लेकिन हमको इस कंप्यूटर सिस्टम को इसको मॉनिटर बनाना है एज इट इज। तो हम इसमें सबसे पहले तो गूगल में आएंगे। गूगल में हम यहाँ पे सर्च करेंगे माउस विदाउट बॉर्डर। ये माउस विदाउट बॉर्डर पे जैसे क्लिक करेंगे पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इस पर डाउनलोड कर देना। हालांकि मैंने डाउनलोड कर दिया है, तो आप इंस्टॉल भी कर देना। मैं अभी लेके चलता हूँ इस सिस्टम में। इसमें भी आपको सेम टू सेम करना है, डाउनलोड कर देना है। इसको मैं ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने के बाद दोनों में ये ओपन कर देना है एक साथ। आपने सबसे पहले ये ऐसा आएगा यहाँ पे, या फिर यहाँ पे स्किप का बटन होगा, वो स्किप कर देना है आपको। यस नो कुछ नहीं करना है, सीधा स्किप करना है आपको, तब जाके ये वाला विंडो ओपन होगा। इसमें भी सेम करना है, स्किप कर देना है। अब यहाँ पे आने के बाद इसमें जाना है आईपी मैपिंग में। अब आईपी मैपिंग में हम दोनों की आईपी को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो बीसीसी में जाना है। यहाँ पे आने के बाद प्रॉपर्टीज, अब जो यहाँ पे नाम लिखा है, आपका कंप्यूटर का नाम जो भी हो आप देख लेना, यहाँ पे जो भी कंप्यूटर का नाम लिखा है उस कंप्यूटर का नाम इधर लिखना है आईपी मैपिंग में, फर्स्ट वाले में। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आपको अब इसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर का नाम आ गया है, यहाँ पे आएगी आईपी। पहले तो मशीन का नाम, मशीन टू आईपी है, तो पहले मशीन का नाम, ये मशीन है। अब इसकी आईपी लिखेंगे। अब इसकी आईपी देखने के लिए, सिस्टम की आईपी को पता करने के लिए विंडोज आर दबाएंगे, विंडोज आर एक साथ दबाएंगे, फिर सीएमडी टाइप करेंगे, सीएमडी एंटर करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आईपी कॉन्फिग, आप देख लीजिएगा ऐसे लिखना है आईपी कॉन्फिग, फिर करना है एंटर। यहाँ पे अगर आपका इथरनेट से कनेक्ट होगा तो इथरनेट का आईपी भी फॉर लिखना है, और अगर वायरलेस से कनेक्ट होगा तो यहाँ पे वायरलेस का बताएगा। अभी मेरा इथरनेट से कनेक्ट है, ये इतना कॉपी करना है, कंट्रोल सी करना है, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देना है, बीच में स्पेस रखना है, एक का स्पेस रखा। अब इसका काम हो गया है। अब इसका आईपी और इसका नाम इसमें लिखना है। अब इसके जानने के लिए भी हम यही करेंगे, बीसीसी में जाएंगे, इसको नीचे रख देता हूँ, प्रॉपर्टीज जाएंगे। अब इसका नाम देखो, कंप्यूटर नेम लिखा है वो राज मोदी है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा राज मोदी। अब इसकी कंप्यूटर की आईपी इसमें लिखनी है। अब मैं इसकी आईपी लिखता हूँ। अब इसमें भी सेम हम आईपी लिखेंगे, सेम प्रोसेस है, विंडो आर दबा के एंटर करना है, और इधर लिखना है आईपी कॉन्फिग, एंटर कर देना है। अब ये वायरलेस है, सॉरी कहाँ गया, ये IPv4 है, वायरलेस लैन अडेप्टर लोकल एरिया में से ये IPv4 एड्रेस उठाना है। ये जो आईपी दिख रही है ना, वो अपने को इस जगह पे लिखनी है। तो यहाँ पे इसके आईपी है 192.168.137.1। अब इसका काम हमारा हो गया है। अब सेम टू सेम प्रोसेस इसमें लिखना है। अब यहाँ पे वो माउस विदाउट बॉर्डर में ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे आईपी मैपिंग में। आईपी मैपिंग में जो इस सिस्टम की आईपी और नाम है पहले वो लिखेंगे, उसके बाद जिससे कनेक्ट करना है उसके आईपी और उसके नाम लिखेंगे। तो मेरे इस सिस्टम का नाम हमने पहले ही देखा है, तो लिखेंगे वो राज मोदी, फिर एक स्पेस देना है, और इस सिस्टम की आईपी लिखनी है जो कि थी 192.168.137.1। आपके सिस्टम की आईपी हो वो ही लिखना, आपकी ये गलती से मत लिख देना आप। फिर यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे डेस्कटॉप, जो इस सिस्टम का नाम है, इस सिस्टम के पीसी का जो नाम है वो यहाँ पे लिखेंगे, डेस्कटॉप AF2Q3OP, फिर एक स्पेस देंगे, फिर इस सिस्टम की आईपी, इसकी आईपी जो कि यहाँ लिखी हुई थी वो अभी सिस्टम लिखेंगे 192.168.0.105।
अब इन दोनों का काम आईपी मैपिंग का कंप्लीट हो गया है। अब दोनों को हमने आईपी असाइन कर ली है कि इसकी आईपी ये है और इसकी आईपी ये है। अब यहाँ पे आएंगे मशीन सेटअप में और यहाँ पर भी मशीन सेटअप में आना है। यहाँ पे इस सबको मैं बंद कर देता हूँ एक बार ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे आने के बाद ये जो हमारी है ये हमारा पीसी है खुद का। अब ये पीसी राइट साइड में रखना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको पहले तो ओके क्लियर मतलब क्लिक करेंगे। अब इस सिस्टम का नाम इधर लिखेंगे राज मोदी और ये इधर लिखेंगे इस सिस्टम का नाम। सॉरी ये नहीं ये आप ध्यान मत देना इसको पहले कनेक्शन कर रखा था। यहाँ लिखेंगे डेस्कटॉप जो सिस्टम का नाम होगा वो AF2QQ3OF। फिर यहां पे आने के बाद इसका आपको सिक्योरिटी की है जो कि 16 नंबर की होगी। अपने कैसे पासवर्ड होता है जीमेल वगैरह ऐसे ही इसकी सिक्योरिटी की होगी। यहां पे 100 टेस्ट करोगे तो ये आएगा। अब इसमें रेंडमली कुछ भी आ सकता है इस तरीके का आएगा लेकिन अपने को ये पूरा का पूरा कैंसिल करना है और 16 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 बार 1111 लिख लेना या आप जो भी लिखो आपको याद रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करना है 16 बार 11 लिखना है। ऐसी आईपी आएगी इसको पूरा का हटा देना है। इन दोनों का पासवर्ड सिक्योरिटी की सेम होनी चाहिए और ये दोनों एक ही कनेक्शन से जुड़े हुए होने चाहिए। अगर ये नेट से कनेक्टेड किसी और से और ये भी किसी और नेटवर्क से कनेक्टेड तो दोनों आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। तो लिख लेता हूँ मैं इसकी सिक्योरिटी की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब यहाँ पे आने के बाद इसको अप्लाई करेंगे और ये इधर भी अप्लाई कर देंगे। अब ये देखो रिजॉल्विंग हो रहा है ये देखो हैंड शेकिंग हो रहा है। अब ये कनेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ का ये देखो आप ये माउस है मेरा अब ये इस पीसी में आ गया ये आ गया। अब मैं इस कीबोर्ड से जो भी लिखूंगा अब आप इसको इधर क्लोज कर सकते हो। ये वन टाइम सेटअप है आप बार बार सेटअप नहीं करोगे तो भी चलेगा इसका सिर्फ कनेक्ट करने को रहेगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे खोलता हूँ नोटपैड अगर मैं इस कीबोर्ड से लिखूंगा इससे नहीं लिखूंगा सिर्फ इससे लिखूंगा तो भी वर्क कर लेगा ये नोटपैड और ये एक ही माउस काम आ रहा है इन दोनों में एक ही माउस काम आएगा। अब इसमें भी मैं सेम ही काम कर सकता हूँ। ये देखो इस कीबोर्ड से मैं जो भी लिखूंगा वो मैं इधर भी लिख सकता हूँ और दोनों में एक ही माउस काम आएगा। जैसे इसको जिस तरह क्लोज कर रहा हूँ उसी तरह मैं इसको भी क्लोज कर सकता हूँ। तो थैंक यू गाइस अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर भी कर देना और